दोस्तों ये है गांव में पानी का सिस्टम। गांव से 1 किलोमीटर दूर है, ये लोग पानी भरने इधर आते हैं। वो सामने लगा पड़ा है गवर्नमेंट का ट्यूबवेल, और ये गांव वाले जितने हैं ना सबके टैंके वगैरह बने हुए हैं। माल मवेशी वगैरह इधर पिलाते हैं और घर पे पानी पीने के लिए इस तरह लेके जाते हैं। कुछ लोग ऊँटों पर लेके जाते हैं, कुछ लोग गधा पर। इनका गांव 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हाँ नेट से बकुल सा उस्ताद रोज पानी भर जाता कितना कैन भरोदा पियाला अच्छा जिंदगी की भी गुजरा वाजी थे अच्छा लड़ा तकलीफ में हो या खुश हो अच्छा। दोस्तों ये लोग बता रहे हैं कि पानी के हिसाब से हम गांव के जो लोग हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें पानी की बहुत किल्लत है और दूर से भरना पड़ता है। बेचारे बहुत तकलीफ़ में, इनका पूरा दिन ही इस काम में गुजर जाता है पानी के लिए। पानी भरना, घर पे लेके जाना, घर भी इनका बहुत दूर है यहाँ से। वो बड़ा टीला देख रहे हैं आप, इससे 2 टीले हैं, उसके बाद है इनका घर। ये जा रहे हैं पानी लेके। आए के एक चक्कर में 2 कैन भर के जाता है गांव टैंके से, इसको 1.5 घंटा लग जाता है। मतलब कि 2 चक्कर लगाए, अभी दूसरा चक्कर लगा रहा है, तो इसके 3 कला गए। अब भी बोला है कि अब भी मैं 3-4 चक्कर लगाऊंगा। मतलब कि पूरा दिन बेचारा इधर ही पानी भरता रहेगा। अच्छा भाई बोल रहा है कि फैमिली का एक जो फ़र्द है वो इसी काम में लगा पड़ा होता है, पूरा दिन ही पानी भरने का उसका काम होता है। हर पार दोस्तों ये बोल रहे हैं कभी इधर होता है पानी कभी नहीं होता है, तो हम 7 किलोमीटर यहाँ से दूर जाते हैं। ओ नंडिया ताई जिंदगी की भी गुजर गोठ में हाँ खुश हो दादा अच्छा अच्छा पानी रोडो मसलो बाकी हमारी सुठी जिंदगी गुजरा भी दादा खुश हो ना। दोस्तों ये गांव की शॉप है घुमाने की ढाणी, इसमें पंचर सिस्टम भी रखा हुआ है। ये छोटा सा गांव है, रोड इस गांव से गुजरता है। छोटा मोटा इसने सेटअप किया हुआ है, बाइक वगैरह पंचर होती है तो ये बनाते हैं। और थर के लोग मोर से बहुत प्यार करते हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर भी बनाई हुई है। नीचे गाड़ी की तस्वीर, रेगिस्तान जो हमारा जहाज़ है रेगिस्तान में चलता है उसकी आपको विजिट करवाते हैं शॉप की। ये छोटा सा शॉप है, ये सेठ साहब की कुर्सी है। ये गांव है घुमानों की ढाणी। दोस्तों ये शहर से टैंकी आती है पानी की भर के 5,000 में देते हैं। ये टैंके होते हैं जो उनमें लगा देते हैं पीने के लिए, ये इस्तेमाल करते हैं। तो चेलार की तरफ रोड जाता है और ये वाला मिट्टी की तरफ जा रहा है।
है। ये गाड़ी आ रही है, चाबी मेरी है भालू साहब, बता रहा हूँ ना मैं मुझे तो। दोस्तों ये हरियार का स्टाफ है और वो चोरे बने हुए देख सकते हैं, और ये भालू साहब का छोटा मोटा शॉप है, आपको दिखाते हैं। भालू माता जी का पुजारी है, ये केबिन है, बाहर पोजीशन जो आते हैं मुसाफर जो आते हैं उनके लिए पानी भी रखा हुआ है, पानी वगैरह भी पिलाते हैं यहाँ पर। भालू राम राम। राम राम। खुश हो तो भाई, ठीक है। जय श्री राम, जय माता। जो अवां जो रोज मारे रो डींकी ना गुजरे थे बताया था ना। बस अवाम से गुजरे थे बाबा, अवाम ना पानी प्यार होता है, इसी केड़े बीड़ी है, गरीबा रो हाल है, जो को वेरी गाल है, अवाम री सेवा का आवा रेडी करे है। वो ठायो चलो है बात। हां भालू साहब, शहर दे सुबह 8 बजे आउंदा, शाम रो 6-7 आणे आउंदा। पेरी है, नदी है, पानी है, पक्षियां ने पानी देण, कुंडा भरण, आवाम री सेवा करण, बीड़ी बाकन माता। जय माता, जय राम, जय श्री राम, जय पिथोरा की, जय माता की, जय श्री राम। असां जो यही हाल है गरीबा रो, जय हो। पानी प्यारा दा ए सिगड़ है, बीड़ी है, पानी दण आखरी असां जी यही है हिंगलाच। जय माता की, जय हनुमान की, जय माता की। दोस्तों ये भल्लू है, माता जी का पुजारी, और दो टैंके वगैरह बनाए हुए हैं इसने। रोड से जो भी यहाँ से गुजरता है ना उसको पानी पिलाता है, और पक्षियों के लिए ये रखा हुआ है, इन्होंने बर्तन रखा हुआ है, ये भी भरते हैं, और रोज़मर्रा की तरह पक्षियों को दाने वगैरह भी देते हैं यहाँ पर। ये दाने आप देख सकते हैं, बाजरा बाजरा पड़ा है। हाँ नहीं है, जमीन पे। हाँ जमीन पे देते हैं ये, और उस चाचा की वहाँ पर छोटी मोटी केबिन भी है। दोस्तों ये भल्लू है, बकरी से दूध निकाल रहा है। ये थर के मजदूर लोग, कितना मंडे 300 रुपये हला। दोस्तों मिट्टी से निकले थे, अब पहुंचे हैं घर जिला। बीच रास्ते में जो घर के लोग हैं बेचारे, पानी वगैरह भर रहे थे, वो खेती बाड़ी करके आ रहे थे, खेत से सामान वगैरह उठा के आ रहे थे, वो भी आपको दिखाया। ये कुछ लोग जा रहे हैं, ये चेलार का है एंट्री गेट। लेके जा रहा है